तो आखिर आपको नौकरी से निकाल दिया गया? मोहन, मम्मी के चेहरे पर नमक मत छिड़को प्लीज। अरे तुम्हारी माँ को खुद ही अपना हाथ जलाने की आदत है, तो मैं भला उसके ऊपर नमक क्यों ना छिड़कूं? Come on मोहन, मम्मी अच्छा भला काम कर रही थी, बीपी साहब उनके काम से खुश थे, वर्मा साहब खुश थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। वानी बेटा, ये सब किया गया है, ये इसी की साजिश है, इसी ने वो अकाउंट्स की सारी फाइलें कंप्यूटर से डिलीट की होंगी। अब बिल्कुल सही पहचाना आपने, लेकिन मत भूलिए कि इस काम में आपका प्यारा चहेता वर्मा बेटा भी शामिल था। नहीं, मैं नहीं मानती कि वर्मा साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, वर्मा साहब ने ऐसा किया। बेचारा मेरा मासूम वर्मा बेटा, पता नहीं कैसे इन बेईमानों के झांसे में आ गया। अच्छा अभी जाओ किचन में जाओ और खाना पकाओ। जाओ, मैं नहीं पकाऊंगी। मत भूलो कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अगर मैं चाहूँ ना तो नौकरी वापस ज्वाइन कर सकती हूँ मैं, और तुम्हें उस कंपनी से निकाल सकती हूँ। अच्छा, किस बिना पे निकालेंगे आप मुझे? सारी फाइलें कंप्यूटर से डिलीट हो चुकी हैं। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली दामाद जी, वो सारी फाइलें मैं इस फ्लॉपी में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। ओए ओए सासू, खाना मैं पकाऊंगा। बताइए क्या खाएंगी? चिकन कोरमा।